सो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक लेकर के आया हूँ जो आपको जानना चाहिए और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल फुटेज और मेरा नाम है कन्हैया। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको मोबाइल ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहिए या ऑफलाइन शॉपिंग करना चाहिए। जी हाँ, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलिए, इसके लिए मैं अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से गूगल में जाता हूँ या फिर डायरेक्ट भी मेरे मोबाइल में फ्लिपकार्ट का ऐप है तो मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए, मैंने इसे यहाँ से ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद चलिए मैं एक यहाँ से एक मोबाइल ले लेता हूँ और आपको सब कुछ लाइव में समझाऊँगा कि कौन सा दोनों में बेस्ट है और आपको समझ में भी आ जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और आप खुद ही कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो चलिए, मैंने यहाँ से एक मोबाइल ले लेता हूँ, आईफोन SE ले लेता हूँ मॉडल। चलिए, मैंने यहाँ से सर्च कर लेता हूँ इसे। तो मैंने आईफोन SE मॉडल को यहाँ से सर्च कर लिया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी जो रेटिंग है 4.5 की रेटिंग है और 129,637 आदमी ने इसे ख़रीदा है। और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि 14,950 रुपया एक्सचेंज करने पे आपको मिलेगा अगर कोई भी आप पुराना फ़ोन को एक्सचेंज करते हैं तो। तो यहाँ पे कोई भी अभी ऑफ़र नहीं दिखा रहा है। तो चलिए, मैं आपको अब सब कुछ बताता हूँ। जैसे अगर आप यही फ़ोन आप प्ले स्टोर वहाँ से लेने जाएंगे, दुकान से लेने जाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये फ़ोन कितना बढ़िया है और इसमें क्या क्या कमी है और क्या क्या अच्छाई है। तो चलिए, ये सब जानने के लिए मैं इस फ़ोन को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको मन चाहे कलर, जितने सारे कलर होते हैं सारे कलर और सारे वेरिएंट आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि ऑफलाइन में होता भी है और नहीं भी होता है। इसके बाद आप ऑनलाइन शॉपिंग में आप EMI पे ले सकते हो। अगर आपके पास इतने पैसे एक साथ नहीं है तो आप उसे कुछ महीनों के हिसाब से किस्ती पर ले सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से व्यू प्लान पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप कोई भी एक EMI प्लान चुन सकते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने आपको SBI का दिखाता हूँ, एक ओके कर लेता हूँ। आप कोई भी चुन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे तीन मान के चलिए मैंने 12 महीने के लिए लिया, 48,000 है तो 4,000 रुपये महीने दे देंगे तो ये धीरे धीरे मोबाइल मेरा हो जाएगा और पैसा एक साथ हमें नहीं देना पड़ेगा। तो ऑनलाइन में ये चीज़ बेस्ट है, ऑफलाइन में भी ऐसा है ऑफलाइन में, लेकिन इसके लिए आपको आपका जो घर है वो दुकान से 10 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए और उसके लिए भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। तो चलिए, इसको तो मैं फ़िलहाल बैक कर लेता हूँ। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको मोबाइल में क्या अच्छाई और क्या ख़राबी है। अगर आप दुकान में जाएंगे तो ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ और स्क्रॉल करने के बाद इसमें जो भी जितने भी स्पेसिफिकेशन है जो भी है इसमें सब कुछ आप यहां से देख सकते हैं पूरे डिटेल्स में घर बैठे। और मोबाइल शॉप में जाके हर मोबाइल के बारे में पूरा स्पेसिफिकेशन देखना संभव नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप ये ऑनलाइन सब कुछ देख सकते हैं। इसके बाद और हमें ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो चलिए हम स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करने के बाद सबसे मेन है यहाँ पे ये देखिए जो इस फ़ोन में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। यहाँ पे देखिए जो इसका फ़ोन का कैमरा है, मतलब 5 स्टार में 4.6 स्टार की रेटिंग मिली है, तो मतलब बहुत ज़बरदस्त कैमरा है। और ऐसे भी आप जानते हैं कि आईफोन का कैमरा सबसे बेस्ट होता है, लेकिन जो इस फ़ोन की बैटरी है दोस्तों देखिए 3.1 है, मतलब बहुत बेकार है, मतलब ठीक ठाक नहीं है, चलने लायक भी नहीं है। और इसका डिस्प्ले प्लस वैल्यू फॉर मनी सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप यही फ़ोन लेना चाहते हैं, आपको सिर्फ कैमरे से मतलब है, डिस्प्ले से मतलब है और बैटरी से कोई मतलब नहीं है, तब आप इस फ़ोन को ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप यही दुकान में लेने के लिए जाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि इसका बैटरी इतना वीक है, इतना कमज़ोर है। चलिए, मैंने अब आपको एक और मोबाइल लेकर के दिखाता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ से बैक करता हूँ और एक बार बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ, मोटो का मोबाइल ले लेता हूँ, MO
मोटो का मोबाइल ले लेता हूँ, मोटो एज 20 जो अभी नई नई लेटेस्ट रिलीज हुई है, और मैंने इसे यहाँ से सर्च किया और इसकी जो रेटिंग है आप देख सकते हैं 4.3 की है, और मैंने इसे यहाँ से क्लिक कर लिया, और क्लिक करने के बाद आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं 4.3 की है। चलिए मैं इसे भी ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ और इसे भी दिखाता हूँ, और इसका मैंने एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसका जो कैमरा है 108 मेगापिक्सल प्लस 8 प्लस 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, और फ्रंट 32 मेगापिक्सल का। अगर आप दुकान में लेने जाएंगे तो आप इतना कैमरा जो मेगापिक्सल लिखा हुआ है यही देख के आप समझ जाएंगे कैमरा बहुत बेस्ट होगा, बहुत बढ़िया होगा, इसमें आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। लेकिन चलिए अब आपको सच्चाई बताते हैं कि ये कैमरा कितना अच्छा है। तो चलिए इसके लिए मैं इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, और आप देख सकते हैं इसका जो कैमरा है मात्र 3.8 है, मतलब कैमरा सही नहीं है। कोई भी फ़ोन का कैमरा प्लस 4 पॉइंट से अगर ऊपर रहता तो सही रहता, और जो ये रेटिंग होता है ये सही हकीकत रेटिंग है, जो हमारे जैसे कस्टमर फ़ोन ख़रीदते हैं वही इस पर रेटिंग देता है उसको ये फ़ोन का कैमरा कैसा लगा, बैटरी कैसा लगा। तो देखिए फ़ोन का कैमरा और बैटरी का क्या रेटिंग है, और ये चीज़ आपको ऑफलाइन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप सही चूज कर सकते हैं कि आपको आपके लिए कौन सा मोबाइल बेस्ट है। तो दूसरा नंबर, अब चलिए मेन ट्रिक में चलते हैं। जैसे आपने ऑनलाइन में ये सारा ट्रिक आपने देख लिया, फिर आपने बुक भी कर लिया, लेकिन अगर आपने ऑफलाइन में कोई भी मोबाइल लिया जा कर के शॉप से, तो आप उसे फिर रिटर्न नहीं कर सकते वापस। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन में कोई भी शॉपिंग लिए, कोई भी मोबाइल लिए, तो आप उसे 7 दिन तक रिप्ले कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फैसिलिटी है ऑनलाइन में। दूसरा नंबर, अगर आप पैसे की बचत करना चाहते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चलता रहता है, ऑफ़र निकलता रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और पैसे बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप समझ सकते हैं जो आपको ऑफलाइन में इतना डिस्काउंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो मैं आपको एक बात और बता दूं, कल यानी कि आज रात 12 बजे से यानी कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल चलने वाला है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आप चाहे तो कल से डिस्काउंट कर सकते हैं। मैंने भी ये फ़ोन बुक किया है, देखिए ये MI माइक्रोमैक्स का फ़ोन है, और मैंने चलिए ये मात्र 8000 का फ़ोन है, और मैंने इसकी भी रेटिंग आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या रेटिंग है। और यहाँ से आपको सब कुछ सही जानकारी मिलती है और देखने के लिए मिल जाता है कस्टमर का रिव्यू कि कस्टमर ने जो लिया इस फ़ोन को क्या रेटिंग रहा। तो आप देख सकते हैं जो इसकी रेटिंग है, मैंने आपको 2 फ़ोन का दिखाया और ये तीसरा दिखा रहा हूँ। देखिए इसकी जो कैमरा है 4.1 की रेटिंग है, बैटरी 4.5, डिस्प्ले 4.7, वैल्यू फॉर मनी 4.9, मतलब लगभग सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत बेकार मतलब कुछ भी नहीं है। और 23,202 आदमी ने इसे रेटिंग दिया है, तो कुल मिला के ठीक ठाक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपको ऑनलाइन सामान लेना चाहिए या ऑफलाइन लेना चाहिए। और ये जो प्रोडक्ट है मैंने 8000 में लिया है, और इसकी कीमत 12000 रुपये है। आप देख सकते हैं इसकी कीमत, आपको दिखा देता हूँ मैंने कितने में ऑर्डर किया हूँ, 8549 रुपये में ही इसको ऑर्डर किया हूँ। देखिए 8549 रुपये है, लेकिन इसका अभी दाम देखिए कितना है प्राइस, इसका प्राइस 10,999 रुपया है, मतलब 11,000 है, और मुझे ऑनलाइन में ये 8,500 में मिला है। लेकिन अगर हम ये ऑफलाइन में लेने जाएंगे तो इतना डिस्काउंट हमें नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि आपको कहाँ से शॉपिंग करने में ज़्यादा बेटर है, जहाँ अच्छा आपको लगे। अभी भी अगर आपको डाउट है कि अगर आप तब भी अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि अब ऑनलाइन लेना चाहिए तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा शॉपिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन सा अच्छा लगता है, और आप किससे कोई भी सामान बाय करना चाहते हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी तरह का सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, या और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सवालों का जवाब मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाऊं। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।